Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of June 16, 2022. But before starting this session, if you are not subscribed to our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. Aaj ka hamara first word hai grumble. Grumble ka meaning hai complaint. सो ग्रंबल से हम याद ऐसे रखेंगे कि ये चीज़ या कोई भी चीज़ गरम है. ग्रम साउंड्स लाइक गरम. ओके, तो हम किसी को कंप्लेन करें कि ये चीज़ गरम है. देन ग्रोस, ये नेक्स्ट वर्ड है ग्रोस, जिसका भी मीनिंग होता है कंप्लेन करना. तो ग्रोस साउंड्स लाइक रोज, मतलब डेली. तो हम इसे याद रखेंगे और जी से शुरू हो रहा है, तो हम इसे याद ऐसे रखेंगे कि घर पे रोज़ रोज़ कंप्लेंट आ रही है. ओके, ग्रोस साउंड्स लाइक रोज़ और जी आर साउंड्स लाइक घर. ओके, तो घर पे रोज़ रोज़ कंप्लेंट हो रही है. ओके, देन प्रोटेस्ट का तो मतलब आपको पता ही है, कंप्लेंट करना मतलब आवाज़ उठाना. ओके, किसी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाना. देन मौन, हिंदी वाला जो मौन होता है वो होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तब हम मौन धारण करते हैं कुछ देर के लिए, तो वो वाला मौन नहीं है, बट इट साउंड्स लाइक मौन. तो हमने याद रखना है कि इंग्लिश वाला जो मौन है मतलब कंप्लेंट करना. या फिर ऐसे याद रखिए कि जो हिंदी में हम मौन धारण रखते हैं, तो मौन मतलब कि कोई एक्सपायर हो गया और हम भगवान जी से मन ही मन कंप्लेंट कर रहे कि उन्हें आप क्यों लेके गए. ओके, दैट मीन्स मौन, कंप्लेंट करना. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राइप. ग्राइप साउंड्स लाइक ग्रेप्स, मतलब अंगूर. ओके, देन राइप का मतलब है, इसके बाद देखो ग्रेप, ग्राइप साउंड्स लाइक ग्रेप, देन राइप है वर्ड जी के बाद, तो राइप का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पक जाना. तो ग्रेप्स अगर बहुत ही ज़्यादा पक जाएंगे तो वो ऑब्वियसली ख़राब निकलेंगे, तो हम कंप्लेन करेंगे. ओके, हमारी कंप्लेंट रहेगी कि वो ज़्यादा ही पक गया है ये, तो ग्राइप मतलब कंप्लेंट. देन अब फिर से मैं ये चीज़ याद दिला रही हूँ, ग्रम्बल. तो ग्रम्बल मतलब गरम साउंड्स लाइक गरम, तो गरम है कंप्लेन कर रहे हम. देन हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, फॉर्मिडेबल. फॉर्मिडेबल का मतलब है चैलेंजिंग. चैलेंजिंग, तो हमने याद ऐसे रखना है कि फॉर्म जो हमारा कोई भी फॉर्म होता है वो डेबल, डेबल साउंड्स लाइक टेबल, तो फॉर्म टेबल पर रखा है. या फॉर्म से आप याद रखिए कि फॉर्म के बदले पेपर रखा हुआ है. ओके, मतलब एग्जामिनेशन पेपर, तो वो क्या है हमारे लिए, चैलेंजिंग सिचुएशन है. या फिर कोई फॉर्म भर रहा है, हमें फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, वो टेबल पे रख दिया है भरने के लिए, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क है, फॉर्म टेबल पर रखा हुआ. नेक्स्ट वर्ड है ऑडियोस. ऑडियोस का, ऑडियो साउंड्स लाइक हमें, अस है ये, अस मतलब हमें. देन नेक्स्ट वर्ड है ऑडियोस. ऑडियो साउंड्स लाइक ऑर्डर, तो हमें ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो. ओके, तो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, वो चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे लिए. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉन्टिंग. कोई हमें डांट रहा है, डॉन्टिंग. डॉन्टिंग साउंड्स लाइक डांटना. ओके, तो कोई हमें डांट रहा है तो हमें वो चीज़ चैलेंजिंग लग रही है, इसलिए हमें डांट लग रही है. देन फॉरबिडिंग, तो बीड़ी जो होती है, बीडिंग साउंड्स लाइक बीड़ी, मतलब सिगरेट वाली जो बीड़ी होती है, स्मोकिंग वाली, तो किसी ने चार बीड़ियाँ पी ली, फॉरबिडिंग, चार बीड़ियाँ पी ली, इसलिए वो अब कोई उस पर चिल्लाएगा तो वो उसके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है कि कैसे चार बीड़ियाँ पी जाए, या चार बीड़ियाँ उसने पी ली तो वो कैसे छुपाएगा, ये उसके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है. सो फॉर्मिडेबल फॉर्म टेबल पर रखा हुआ है, जो कि चैलेंजिंग सिचुएशन है. देन नेक्स्ट वर्ड इनकम्पास. इनकम्पास का मतलब है इंक्लूड, मतलब कि उसमें ऐड करना, इन्वॉल्व करना. ये तो कॉमन वर्ड्स है,
देन इसे याद कैसे रखेंगे, देखिए एन को अलग कर देना, कंपास को अलग कर देना। एन मतलब इन, एन साउंड्स लाइक इन कंपास। आपको याद है जब स्कूल में थे हम तो पाउच की जगह कभी कभी कंपास भी यूज़ कर लेते थे, तो वो वाला कंपास याद रखना है। तो कंपास में हम क्या रखते थे, बहुत सारी चीज़ें रखते थे, मतलब इंक्लूड करते थे, इन्वॉल्व करते थे। ओके एम्ब्रेस, एम्ब्रेस से आपको ध्यान कैसे रखना है, देखिए एम को अलग कर देना है, ब्रेस को अलग कर देना। एम साउंड्स लाइक आई एम, ब्रेस साउंड्स लाइक ब्रेसलेट, तो मैंने ब्रेसलेट क्या किया, इंक्लूड किया। सो ये हो गया इंक्लूड। एम बॉडी, एम बॉडी, एम साउंड्स लाइक आई एम, बॉडी मतलब अपना बॉडी शरीर, तो हमने बॉडी को इंक्लूड कर लिया। अब इंक्लूड का दूसरा भी एक सिनोनिम है कवर, कवर कर लेना मतलब उसको ऐड कर लेना। तो ब्रेसलेट को मैंने कवर कर लिया, बॉडी को मैंने कवर कर लिया, ओके मतलब इंक्लूड कर लिया। देन कॉम्प्रेहेंड, कॉम्प्रेहेंड साउंड्स लाइक कॉम मतलब जो कॉम्ब होता है हमारा कंगी, ओके प्री मतलब पहले ही दे दिया, हैंड साउंड्स लाइक हैंड, ओके तो कॉम्ब को पहले ही हाथ में ले लिया मतलब इंक्लूड कर लिया, ओके दैट इज कॉम्प्रेहेंड मतलब इंक्लूड। इन कंपास, इन कंपास, कंपास में क्या आएगा, इंक्लूड करेंगे हम, चीज़ें रखेंगे, ओके दैट मीन्स इंक्लूड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है परवेसिव, परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल, मतलब जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, फेमस है। तो हम इसे याद ऐसे रखेंगे, पर पर्व पर सब लोग शिव शिव करते हैं, शिव साउंड्स लाइक शिव, पर्व मतलब फेस्टिवल हिंदी में जिसे हम पर्व बोलते हैं, ओके तो पर्व पर लोग क्या करते हैं, शिवा शिवा करते हैं पूरे यूनिवर्स के लोग। जनरल मतलब ये जनरल है पूरे यूनिवर्स में, ये एक जनरल है। एक्सटेंसिव मतलब पूरे जग भरे में ये फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। वाइड स्प्रेड मतलब फैली हुई, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये सब पता है सबको, मतलब ये वाइड स्प्रेड है, ओके तो पर्व पर सब लोग शिवा शिवा करते रहते या शिव शिव करते रहते, दैट इज यूनिवर्सल। देन लेवी, लेवी का मतलब है चार्ज, टैक्स, जो हम टैक्स पे करते हैं मतलब हम चार्ज देते हैं। तो लेवी से याद कैसे रखेंगे हम, हम कहते हैं ना अपने फ्रेंड को या किसी को भी ले भी अब, ले भी मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि क्या ले, चार्ज ले, ले भी अब चार्ज ले ले, तो दैट इज ले भी, ओके तो लेवी मतलब चार्ज या टैक्स देना। हम जब नाके पर जाते टोल नाका तो हमसे टोल लेते हैं वो लोग, तो हम क्या बोलेंगे, ले भी अब चार्ज मतलब टोल ले लो। टैरिफ, टैरिफ से हम याद रखेंगे तारीफ, तो कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो वो हमें बोलेगा कि मैंने तो आपकी तारीफ कर दी, अब चलो पैसे निकालो, चार्ज दे दो हमें, ओके हम फोकट में तारीफ नहीं करेंगे, आपकी फ्री में तारीफ नहीं करेंगे। लेवी मतलब लेवी साउंड्स लाइक लेवी, लेवी क्या, चार्ज, लेवी मतलब चार्ज। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेल, ट्रेल का मतलब है फॉलो, पाथ, ट्रैजेक्टरी। फॉलो और पाथ ये दोनों वर्ड्स तो कॉमन है, अब ट्रेल से आप याद कैसे रखोगे, रेल, रेल कहाँ से जाती है मतलब रेलवे, वो जाती है पाथ से, ओके फॉलो करती है वो डेस्टिनेशन को। पॉमार्क्स, पॉमार्क्स मतलब भी पाथ होता है, तो पाव याद रखना, हिंदी वाला पाव, खाने वाला पाव नहीं अपना, ये पाव पैर, पैर को पाव भी बोलते हैं, पाव मार्क्स, तो पाव हमारे, पाव के निशान, पाव के मार्क्स हमारे कहाँ पर आएंगे, रोड पर, पाथ पर, ओके और रोड को ट्रैजेक्टरी भी बोला जाता है। तो ट्रैजेक्टरी से आप ऐसे याद रखने रख सकते हो कि ट्रैजेक्ट साउंड्स लाइक ट्रैक्टर और ट्री साउंड्स लाइक फैक्ट्री, तो किसी फैक्ट्री में ट्रैक्टर बन रहा है पाथ पर निकलने के लिए, या फैक्ट्री से ट्रैक्टर निकल रहा है पाथ पर, ओके तो ट्रेल साउंड्स लाइक रेल और ट्रेल का मतलब होता है पाथ, फॉलो। ट्रेल का मतलब रेल नहीं होता, ट्रेल साउंड्स लाइक रेल और रेल फॉलो करेगी पाथ पर, ओके देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलाइट, इलाइट मतलब होता है बेस्ट, तो ये लाइट जल गई, ये लाइट बहुत अच्छे से जल रही है, तो क्या हुई, वो बेस्ट हुई, ओके देन ये लाइट बहुत अच्छी है,
privileged. We sounds like we, तो हमने पहले ही ये विलेज में लाइट ले ली, या फिर प्रिविलेज्ड, हमने पहले ही लाइट ले ली. ले है प्रिविलेज्ड, लेज्ड का ले लेना है, हमने पहले ही लाइट ले ली, या हमने कोई चीज़ पहले ही ले ली, मतलब वो बेस्ट है इसलिए मैंने ले ली. ओके, वैसे प्रिविलेज वर्ड तो कॉमन है, सबको पता ही होगा प्रिविलेज मतलब बेस्ट होता है. ओके, एक्सक्लूसिव, कोई भी चीज़ एक्सक्लूसिव है मतलब वो बेस्ट है, मतलब वो बाकी चीज़ों से अलग है इसलिए वो एक्सक्लूसिव है. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्लुएंशियल. जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, इन अलग कर देना, फ्लू अलग कर देना, कल भी एक इन्फ्लुएंस वर्ड था. ओके, तो उसमें हमने क्या किया था, इन को अलग कर दिया था और फ्लू को अलग कर दिया था. फ्लू अंदर चला गया, इन चला गया, तो क्या हो गया, हमारा रास्ता तो बन गया, हम सक्सीड हो गए, ऐसा था वो मीनिंग. ओके, और जब फ्लू अंदर चला जाएगा, इन चला जाएगा, तो हम सक्सीड हो जाएंगे, तो वो हमारे बेस्ट, हमारे लिए वो बेस्ट रास्ता रहेगा. फ्लू अंदर चला जाएगा तो दैट मीन्स बेस्ट सक्सीड, बेस्ट से ही तो हम सक्सीड होंगे. ओके, तो ए लाइट, ये लाइट बेस्ट है. ओके, देन नेक्स्ट वर्ड एनश्राइन. हम जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो बोलते हैं ना श्राइन, तो श्राइन का मतलब होता है मंदिर. ओके, तो एनश्राइन का मतलब होता है ये श्राइन है, ये प्रिजर्व किया हुआ मंदिर है. प्रिजर्व मतलब बहुत सालों से वहाँ पर रखा हुआ. ओके, तो तीर्थ यात्रा पे लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि बहुत सालों पुराना वो मंदिर होता है, तो लोग कहते हैं ना कि जनरली कि ये जागृत मंदिर है, तो वो बहुत सालों से लोगों की भावनाएं जुड़ी रहती है, बहुत सालों से लोग बोलते आ रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि वो जागृत है, प्रिजर्व है. ओके, श्राइन. देन प्रोटेक्ट, तो उस श्राइन को प्रोटेक्ट किया गया, प्रिजर्व किया गया, इसीलिए तो हम उस वहाँ पर जा रहे हैं. ओके, ट्रेजर, तो वहाँ पर कोई ट्रेजरी नहीं करता, ऐसे याद रखना है, किसी भी श्राइन पर ट्रेजरी नहीं करता है कोई, मतलब कोई चोरी नहीं करता, ट्रेजर. ओके, देन हॉलो. हॉलो साउंड्स लाइक हेलो, तो जब हम किसी श्राइन में जाएंगे, किसी टेंपल में जाएंगे, तो हम भगवान जी को हेलो कर रहे, मतलब हम दर्शन ले रहे, तो उससे याद रखना है श्राइन, मतलब इन श्राइन. ओके, देन चेरिश, तो जब हम किसी एनश्राइन पे जा रहे हैं, श्राइन पे जा रहे हैं, तो हमें चेरिश किया जा रहा है, तारीफ़ की जा रही है. जब हम एनश्राइन पे जाते हैं तो ऑब्वियसली हम भगवान जी की तारीफ़ करते हैं कि कितना जागृत मंदिर है, देखिए कितने सालों से ये प्रिजर्व है, चेरिश है, संभाला गया हुआ वो कोई टेम्पल है, दैट मीन्स वो चेरिश है. या फिर ऐसे याद रखिए कि वहाँ उस पर चेरी डाली गई है उसको प्रिजर्व करने के लिए. ओके, सो एनश्राइन मतलब कि प्रिजर्व किया हुआ टेम्पल, श्राइन. ओके, अब ट्रेजर से मैंने आपको याद दिलाया था कि किस, अब ट्रेजर से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमने वहाँ पर जाना ट्राई किया, श्योर, ट्रे श्योर, ट्रेजर. अब श्योर दिख रहा है हमें, तो हम ट्राई करते हैं, श्योरली हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, या ट्राई करते हैं इसे प्रिजर्व करने के लिए, हम ट्राई करते हैं, ये श्योरली ये प्रिजर्व हो जाएगा, मतलब कि एनश्राइन प्रिजर्व हो जाएगी, दैट मीन्स ट्रेजर. एस्पोज, एस्पोज का मतलब होता है सपोर्ट, तो एस्पोज से एस अलग कर देना, स्पोज अलग कर देना. स्पोज का मतलब क्या होता है, हमारा लाइफ पार्टनर. एस कम, एस साउंड्स लाइक यस, और नेक्स्ट साउंड आ रहा है स्पोज, तो जो लाइफ पार्टनर होते हैं, इस लाइफ पार्टनर क्यों कहते हैं स्पोज को, क्योंकि वो हमें सपोर्ट करते हैं. यस स्पोज मतलब सपोर्ट करना. ओके, एडॉप्ट, तो लाइफ पार्टनर क्यों होता है, दोनों एक दूसरे को अडॉप्ट करते, एक्सेप्ट करते हैं, दैट मीन्स एस्पोज एडॉप्ट. प्रमोट, एक दूसरे को सपोर्ट करना मतलब प्रमोट करना. ओके, एम्ब्रेस, मुझे ब्रेसलेट दिया स्पोज ने, मतलब मुझे सपोर्ट किया. एडवोकेट, जो एडवोकेट रहते हैं, जब कोई केस लड़ रहे होते हैं हमारी, तो हमें सपोर्ट ही तो करते हैं वो, है ना, एडवोकेट, तो इसी से एडवोकेट मतलब सपोर्ट याद रखना है. एस्पोज, स्पोज क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमिनस. ओमिनस मतलब वार्निंग. सो ओमिनस से ओम अलग कर देना है, अस अलग कर देना है, मतलब ओम भगवान जी हमें वार्निंग दे रहे हैं कि ओम का चांट करो आप.
वरना कोई गलत चीज़ हो जाएगी आपके साथ। ओके, ओम का आप चांट करो, आप मतलब अस आप चांट करो, वार्निंग दे रहे। देन थ्रेटनिंग, ये वर्ड कॉमन है, थ्रेट से ये वर्ड बना हुआ है, थ्रेटनिंग। ओके, सो थ्रेट का मतलब आपको पता ही है, जनरल वर्ड है ये, मतलब कि किसी डेंजर के अगेंस्ट हमें वार्निंग दी जा रही है। थ्रेट मतलब डेंजर, मतलब हमें वार्न किया जा रहा है। देन ग्लूमी, ग्लूमी का भी मतलब होता है वार्निंग। तो जो ग्लू है, ग्लू साउंड्स लाइक ग्लू, जो गम होता है हमारा, स्टिक होता है। ओके, तो ग्लू ख़त्म हो जाएगा या गम ख़त्म हो जाएगा, मतलब ग्लू ख़त्म हो जाएगा, ये हमें वार्निंग दी जा रही है। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोर्टेंटस। ओके, पोर्टेंटस का भी मीनिंग होता है वार्निंग। पर, पोर साउंड्स लाइक पर, टेन हमें, अस हमें, पर टेन तो हमें, हमें जो टेन कोई चॉकलेट्स दिए जा रहे हैं या कुछ भी दिया जा रहा है, वो तो हमें मतलब हमको वो, तो वो हम 10 चॉकलेट्स एडजस्ट नहीं कर सकते। ओके, हम इतने सारे लोग हैं कि हम सिर्फ 10 चॉकलेट्स ऐड नहीं कर सकते। तो हमने वार्निंग दी किसी को, 10 चॉकलेट्स नहीं लाने, ज़्यादा लाने हैं, क्योंकि पर 10 चॉकलेट्स हमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ओमिनस, ओम भगवान जी ने हमें वार्निंग दी है कि आप ओम का चांट करो। ओके, देन सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन, आई वुड लाइक टू मेक एन अनाउंसमेंट हियर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बैंक एग्जाम लाइव कोर्स ऑफ IBPS, SBI, RBI, NABARD एंड इंश्योरेंस फ्रॉम कमिंग 24th of June, विच इज़ लाइव ऑनलाइन बैच कोर्स, जिसमें आपको 120+ लाइव क्लासेस, 100+ वीडियो लेक्चर्स, डेली क्लास असाइनमेंट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी फीस रहेगी 4,250 ओनली। सो दोज हू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस कोर्स, प्लीज़ गो थ्रू द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।